खूब शीघ्र आरंभ हेबो क्षति आकलन बर्षार उजुड़ी जाइछि चासीरो भात हांडी हेक्टर हेक्टर जमीन धान एवं पनीपरिया फसल नष्ट होइछि केउ अंचल रे केते फसल नष्ट होइछि सेने जिलापाल मानंकु राजस्व विभाग पक्षरु रिपोर्ट मगा जाइछि क्षयक्षति अनुध्यान करी तुरंत रिपोर्ट दबा पई जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाइछि रिलीफ कोड अनुसार चासी को सहायता मिलिबो बोली राजस्व मंत्री सुदाम मारांडी कहिछन्ति एमिति कि दरकार पड़िले निजे ग्राउंड जीरो को जिबे बोली से निजे कहिछन्ति माने समस्त दुखित किंतु सरकार जहाँ जहाँ स्टेप नवा कथा एवं लोक जो अवार करिवार कार्यक्रम शेष कथा भी आम कहीलु कि जिते शीघ्र पार्टी धान को उठे नवा चेष्टा से करूँ से कार्यक्रम भी बहुत जगह चाषी कर सत्वे विभिन्न जगार वर्षा हवा द्वारा धान क्षय क्षति हो तार रिपोर्ट आम मागिचु कलेक्टर मान को से रिपोर्टा दे जहाँ सरकार नियम अच्छी आम से हिसाब से नहीं से रिपोर्ट आसूँ सब गुड़ाक आसी ना बुझे ना तेणु से प्रिलिमिनरी सीना संपर्क ना आम चाहूँ संपूर्ण रिपोर्ट से दिखता तो चिंता करो को जगह कहते हैं कलेक्टर मैंने सीरीयसली सब देखुं कि जो दरकार पड़ो निश्चित भाव धान संग्रह बेले मंडी परिचालन रे किभली स्वच्छता आसी पारिबो सेने राज्य सरकार प्रयास करुछंती एथिपई मंडीरु मिल को धान परिवहन पई परिवहन ठिकादार टेंडर माध्यम रे चयन करी नियुक्ति करबा पई समस्त जिल्लार जोगाण अधिकारी को स्वतंत्र निर्देशनामा मध्य जारी होईछि किंतु कलाहांडी जिल्ला रे यहार व्यतिक्रम देखिबा पई मिलिछि टेंडर प्रक्रिया सरीथिले सुधा एग्रीमेंट करिवारे विलंब को नै चासी को मनरे असंतोष देखा दैछि कलाहांडी जिलार मंडीरु मिल पॉइंट को धान परिवहन पई राज्यर समस्त जिलार जोगाण अधिकारी स्वतंत्र निर्देशनामा जारी होई किंतु कलाहांडी जिलार यहार व्यतिक्रम देखा मिली टेंडर प्रक्रिया सरीथिले सुधा एग्रीमेंट करिबारे विलंब होउथिबारु चासी असंतोष देखा दैछि राज्यर मंडीरु मिल पॉइंट को धान परिवहन करबा पई गत 2019 रे केन्द्र सरकारंकर खाद्य एवं साधारण बंटन विभाग पक्षरु चिठी नंबर 192/14/2018 FCSCS 65/2019 अनुजाई राज्य सरकार खाद्य और जोगाण विभाग को चिठी करा जायतला एतिरे राज्य रे मंडीरु धान परिवहन पई परिवहन ठिकादार टेंडर माध्यम रे चयन करी नियुक्ति करबा पई निर्देश दिया जायतला एहाकु ने राज्य सरकार खाद्य और जोगाण विभाग पक्षरु प्रथमे 23/10/2019 द्वितीय रे 22/9/2021 एवं तृतीय थर पई 9/11/2021 रे समस्त जिलार मुख्य जोगाण अधिकारी को कहा जायतला पत्र माध्यम रे टेंडर प्रक्रिया को धान मंडी आरंभ हेबा पूर्वरु सारी परिवहन ठिकादार चयन करी चुक्तिनामा करबा को निर्देश देथिले यहा परे कलाहांडी रे अक्टोबर 18 तारिख रे टेंडर आह्वान करागला यहा परे जिला टेंडर कमिटीर निष्पत्ति अनुसार नवंबर 11 रे प्राइस बिड खोलिबा कथा किंतु 18 दिन विलंब रे अर्थात नवंबर 29 रे खोलिला एथिरे जिलार 48 जन बिडर भाग नहीं सेतिमध्यरु जिलार 12 गोटी ब्लकु 10 जन योग्य बेचित होते मंडीरु मिल को नेबापी क्विंटाल पिछा सरकार 141.80 धार्य करते कि ठिकादार मान धार्य दर ठारु कम टंकारे बेचित होता जना आम जो ट्रांसपोर्ट पेड़ी कम किंतु एबे पर्यंत तार एग्रीमेंट किसी करा जाऊ ना गत वर्ष 2019 मसीह भी सेमती ट्रांसफर कंट्राक्टर बाहरी था पेड़ी कामटा से भी किसी एग्रीमेंट है कि 29 तारीख दिन प्राइस बिड खुल्चंती एपटे मंडी भी आरंभ हो सारा 25 तारीख रु प्राय मंडी आरंभ कर सारे किंतु आमको एग्रीमेंट से किसी कही ना कि एग्रीमेंट एग्रीमेंट भी है मंडी परिचालना समय मिलर्स द्वारा पर्याप्त परिमाण में गाड़ी आसी पार नथिबारु धान सब मंडी में पड़ रहुथिबा देखा दैथाय सेतिपाई सरकारंक पक्षरु एही परिवहन ठिकादार नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करा जायछि जद्वारा मंडीरु सुविधा रे मिल को चासिंग धान परिवहन होई परिबो जिल्लारे गत मास 25 तारिखरु मंडी आरंभ होइतिले मध्य एजाय एही प्रक्रिया शेष होई परि नाही तेणु राज्य सरकार चासिंग हित दृष्टिरु एथिरे हस्तक्षेप करी एही समस्यार समाधान करबाकु दाबी होइछि सीधा सलग भावरे मिल ही तार निजर गाड़ी आनी करी इठाने धान के ओजन करूचे आउ नौचे आउ चाषी मान के कहूचे जे ये धानटा आम ही आमर हिसाब से नौचू इतिर पाई कोनोसी आमके सरकार पैसा नहीं देवा जार फल रे माने से खर्चा के भी से
चाषी मन को ऊपर ले लदी दउचे इटा होचे आ किटि नै से फॉल्स एंट्री रो पैसा ऊपर मिलर आ जोगान विभाग खाउचन जेंथि लागि कि बुझले कि नै माने जोगान विभाग बले माने ट्रांसपोर्ट एजेंट के दबा लागि नाराज एग्रीमेंट रो फॉर्मेट आउरी आमे पाइनु को बेसिस रे एग्रीमेंट करा जेबो आमर एठे प्रक्रिया चालू रही छि आमर वर्तमान आमे सब समयचित रूपे पदक्षेप नै छु ठीक रूपे भी चली छि धान मंडी समय रे मंडी रु मिलर पॉइंट पर्यंत परिवहन पई ट्रांसपोर्ट ठिकादार नियुक्ति पई टेंडर सरी थिले सुद्धा आज पर्यंत होई पारु नाही कोनोसी चुक्तिनामा तेबे काहे कि एथिरे व्यतिक्रम ताहा सबुठारु बड़ प्रश्न भवानी पाटनारु अंशुमान पात्र न्यूज 18 ओडिया राज्यर विकास निमन्ते मौलिक समस्या दूरीकरण पई सीपीआईएम ओडिशा राज्य कमिटी पक्षरु व्यापक आंदोलन हेबो भुवनेश्वर पार्टी कार्यालय रे सांबादिक सम्मेलनी जरिया रे सूचना दैछंती सीपीआईएम राज्य संपादक अली किशोर पटनायक दरदाम वृद्धि श्रम आईन संशोधन रे विरोध एवं बेकारी राष्ट्रायत्त उद्योग गुडीकर घरोईकरण कृषि एवं कृषकंक समस्या भागचासींकु चासी मान्यता एवं आदिवासी प्रसंग रे आगामी समय रे दल पक्षरु व्यापक आंदोलन करा जिबा पई चेतावनी दिया जायछि आमर भाग मागिबा पई गरीब लोकंक संख्या अधिक त आमुक आमर भाग दि आमुक भिक दरकार नै वर्तमान भिक देकरि ओडिशा राज्य सरकार लोकंक संतुष्ट करबा पई बसछन्ति एवं आमर मौलिक समस्यार जदि समाधान होनता चासी को सर्वनिम्न 3000 टंका रे चासी सब चासी पाकु धान किणा हबो 600 टंका सर्वनिम्न मजदूरी रे वर्ष को 200 दिन रो काम रो गारंटी दिया जइबो एवं बेकार समस्या समाधान करबा पई राज्यर समस्त पदवी की खाली पड़ा पदवी की पूरण करा जीवो समस्त भूमिहीन को जमी दिया जीवो बासहीन को घर ढीय कि घर करके दिया जीवो एवं ये समस्त व्यवस्था जदि करा जीवो ताहले आमको ए भिकर आवश्यकता नहीं टिटलागड़ पुलिस को बड़ सफलता बंगमुंडा अंचल में बड़धरण लुट करने योजना करुले लुटेरा सुराग पाई धरला पुलिस टिटलागड़ थाना निकटस्थ बछाजुझ गाँ निकटर आंतजिला लुटेरा गैंग को धरवे सफल हो पुलिस गैंग्रे सातज लुटेरा नाँ से विभिन्न थाना रही एकाधिक मामला आज बंगमुंडा अंचल जड़े व्यवसायी घर लुट योजना करुवा पुलिस बांधि मास्टरमाइंड चिन्मय साहू समेत सातज को गिरफ्त कर पुलिस से मारणास्त्र मोबाइल फोन बंधुक सहित बोलेरो गाड़ी जबत हो समस्त लुटेरा गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कराधिक मामलें जड़ित थी विभिन्न थानार अधिकारी टिटलागड़ पहुंची तदंत आरंभ कर कंचालंका प्रोडक्शन हाउस विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान दाबी पुरी जिला युव अधिवक्ता संघ पक्ष पुरी आरक्षी अधीक्षक कन्वर विशाल सिंह को दाबीपत्र प्रदान करा कंचालंका प्रोडक्शन हाउस एक वेब सीरीज रे गैंग्स ऑफ पुरी नारे एक पोस्टर भाइराल होबारे लागिछि जहाँकि श्रीमंदिर उपरे खंडा झुलुथिबार दृश्य पुरी सहरवासी धार्मिक भावना को आघात देछि या सहित गैंग्स ऑफ पुरी वेब सीरीज पुरी सहरर युवक तथा छात्र मानंकु अपराधिक कार्यकलाप प्रवर्तौछि पुरी एसपी दाबीपत्र ग्रहण करने सहित वेब सीरीज मालिक विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करने प्रतिश्रुति संघर आवाहक अनिल कुमार साहू सभापति विश्वजित प्रधान समेत बहु व्यक्ति दाबीपत्र देवा समय सामिल होते ब्रेक रहा ब्रेक पर खबर जारी र ब्रेक पर स्वागत कोरापुट सहर से दिनक दिन बढ़ुची बेपरुआ गाड़ी चालना या सहित तो बढ़ी चली स्पीड बाइकरों संख्या एने प्रतिदिन सहर से दुर्घटना घटुवा बेले यहपर ब्रेक लगवाई आक्शन मोड को आसी टाउन पुलिस विकटाल शब्दर हर्न और अधिक शब्द सृष्टि करुवा साइलेन्सर को हटावा सहित बाइक चालकों ठार आदाय फाइन यहां सहरवासी स्वागत करता बेले सारा जिले में यह जांच एआरटीओ कहते बेपरुआ गाड़ी चालकों साबाड़ कराइबा को कठोर होइछि कोरापुट टाउन पुलिस विकटाल हॉर्न लगाई अजथा शब्द करुथिबा एवं अधिक शब्द उत्पन्न करुथिबा साइलेंसर लागिथिबा बाइक को अटकाउछि पुलिस साइलेंसर कंपनी प्रदत्त ना चालक बेआईन भावे यहार व्यवहार करिछंती तार जांच करुछि मोटा अंकर फाइन मध्य आदाय करुछि एथिसह बेपरुआ गाड़ी चालकों ठारु मध्य फाइन आदाय करुछि पुलिस पुलिस रो एभली पदक्षेप को जिलावासी स्वागत करिछंती कोरापुट टाउनवासी कंप्लेन थी जे टाउन मझे अति स्पीड रे
ଗାଡ଼ି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହର୍ନ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବୁଲେଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପିଡ଼୍ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ସାଇଲେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡର ସାଇଲେନ୍ସର ଚଲାଉଛନ୍ତି ଲଗେଇକି ସେ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଆମେ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆରଟିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଏମ୍ଭିଆଇ ଓ ଆରଟିଓମାନଙ୍କୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ସାନ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପିଟୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ ବାକି ତ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ନା ବଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମତ ବଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏତିକି ଆଉ କହିବି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଲି ପିଲା ଯାକ ବାପା ମା' ଦେଉଛନ୍ତି ପିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଧରିବେନି ବଟ୍ ଆମେ ଯିଏ ଆମେ ଧରିବେ ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ସାଇଲେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଇବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଛି ଏପରିକି ବାଇକ୍ ରେସିଂ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଣୁ ନିୟମିତ ଏଭଳି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବା ସହ ଏହାକୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କୋରାପୁଟ ଏଆରଟିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସାଇଲେନ୍ସର ନଥିବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇକି ରେସିଂ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜାରୀପୁଟ ପ୍ରାୟତଃ ପୂଜାରୀପୁଟରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆରଟିଓ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ତା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଡ଼ିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆମର ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଉପରେ ସବୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଚେକିଂ ହେବ ତେଣୁକରି ମଦ୍ୟପାନ କରି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ ନାହିଁ କୋରାପୁଟରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ 5G ସ୍କୁଲକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଡିଓଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀର ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ସେଭଳି ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡାକି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯିବ ଏବଂ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଏବଂ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ କାଉନ୍ସିଲିଂ କୋଠରୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ ରଖାଯିବ ତା ସହିତ ଖାଲି ଥିବା ଜାଗା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ଅପଡେଟ୍ ତାଲିକା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ 5G ସ୍କୁଲକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଡିଓଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦବୀର ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ସେଭଳି ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡାକି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କାଉନ୍ସିଲିଂ ଏବଂ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯିବ ସେଭଳି କାଉନ୍ସିଲିଂ କୋଠରୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଖାଲି ଥିବା ଜାଗା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ଅପଡେଟ୍ ତାଲିକା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଏକାଠି ହେଲେ ପାଇକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଦାଏତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପୀଠରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ପାଇକ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସମସ୍ତ ଦଳ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ବିଚାର ନକଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପାଇକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଫେରାଇ ନେବେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ 1817 ମସିହା ଏ କଥାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଏକ ବଡ଼ ଦାବି ଯାହା କାଲିଠାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ପାଇକମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ଖାଲି ଯେ ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଇକ ଥିଲେ ତା ନୁହେଁ ଏଠି ବେହେଳା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଜାତି ସେ ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ ତେଲି ଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପାଇକରାପୁର
तेनि पाइक अच्छा आमर गोटे शिमिलीपाटना चंदका से बेहरा पाइक अच्छा ये जो आज जो पाइक उपर जो आंदोलन चली ओडिशार समस्ते कोणे कोणे जानती भारत वर्ष पृथ्वी जानी जे ओडिशार पाइक विद्रोह प्रथम आरंभ होता ये ओडिशार बरुणी ठेरे तेणु तार उपदे आम आज ये जो जागरण करुचु आमर उद्देश्य हूँ प्रथम स्वाधीनता ओडिशा चाटशाड़ी में पाठ पढ़ाई शिक्षार आलोकवर्तिका साजिश जाजपुर अंचल प्रिय नंद सार आहांती शहे चार वर्ष बयस आखि बुझिंट पद्मश्री नंद किशोर पृष्टि भुवनेश्वर सम हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्थे प्राण हर नंद सार तृणमूल स्तर में शिक्षार प्रचार प्रसार पर नंद सार को पद्मश्री सम्मान में सम्मानित कर गतमास नौ तारीख में नूआदिल्ली में राष्ट्रपति पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करते नंद सार दिल्ली फेरबार किद से कोरोन आक्रांत होते तापरे तांकु सम हॉस्पिटल रे चिकित्सा पई भर्ती करा जायथिला आज दिन प्राय गोटाए 15 रे तांको देहांत हो जायछि। जाजपुर जिला सुकिंदा ब्लॉक कोंतिरा गाँव में नंद सारंको घर जाजपुर रे पद्मश्री नंद सारंको हेबो अंतिम संस्कार बैतरणी दशाश्वमेध घाट में बारुणी महाश्मशान हेबो अंतिम संस्कार कोविड कटकणा रे राष्ट्रीय मर्यादा सहित अंतिम संस्कार करा जिवो। नंदसारंक उद्यम स्मरणीय शिक्षक नंदकिशोर पृष्टि वियोगे शोक प्रकाश कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओडिशा रे शिक्षार प्रसार पर नंदसारंक उद्यम अतुलनीय अवदान अनेक पीढ़ी जाए स्मरणीय हो रही मोदी कहते पद्म पुरस्कार समारोह में देशर दृष्टि आकर्षण करते नंदसार नंदसार देशवासी श्रद्धार पात्र होते पीएम मोदी से भाई पद्मश्री नंदकिशोर पृष्टि परलोक शोक प्रकाश कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अमर आत्मार सद्गति कामना सहित परिवार को समवेदना जनाई नवीन नंदसारंक वियोगे केन्द्र गृहमंत्री समेत शोक प्रकाश करिछंती केन्द्र शिक्षामंत्री नंदसारंक वियोग भारत शिक्षा समाज पर अपूरणीय क्षति बोली ट्वीट जोगे दर्शाई बुलेटिन रे समय सरी आम ओडिशा को एट रखा एवं देखूँ क्रिप्टो करेन्सी संपर्कित खबर नमस्कार। ZPay and News18 Network present क्रिप्टो की समझ। नमस्कार क्रिप्टो करेन्सीज स्वतंत्र सीरीज को आपण मानक स्वागत ZPay और नेटवर्क 18 प्रस्तुत करुछंते क्रिप्टो को जानतो ए सीरीज जरिया रे आमे आपण को जनाइबो क्रिप्टो करेन्सीज जगतर टेक्निक अपडेट और तथ्य आज जानिबा क्रिप्टो डाइवर्सिफिकेशन कौन क्रिप्टो करेन्सी बजार द्रुतगति में वृद्धि पाता बेले हजारे रु अधिक कॉइन उपलब्ध होउछे तेबे टॉप 20 कॉइन को अधिक मूल्यवान मने करा जाउछे तेणु पुंजीनिवेश पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन बा विविधीकरण करिबा आवश्यक एहा द्वारा आपण निजरा पुंजी को सुरक्षित रखिपारे एवं अधिक क्षति संभावना को कम करें एक बालान्सड पोर्टफोलियो या स्टॉक ब्रांड एवं कमोडिटीज भली स्वतंत्र इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टर निवेश करिबा जरूरी यदि आपड़ केवल क्रिप्टो पोर्टफोलियो प्रस्तुत करुछंती तबे एहाको डाइवर्सिफिकेशन करी रिस्क कम करिपारिबे एक भल बालान्सड पोर्टफोलियो पाई चारिटी क्रिप्टो करेन्सीज को बजार को निया जाई पारे सेगुड़ी मध्य प्रथमटी हला क्रिप्टो करेन्सी जहाँकि क्रिप्टो स्पेस को पॉसिबल बा फलप्रद करिपार द्वितीय हेउछि सबुठ लोकप्रिय क्रिप्टो करेन्सी तृतीय रे सही करेन्सी जेउथरे भल रोजगार हेबार संभावना रही है चतुर्थटी है कौन से एक स्टेबल क्रिप्टो करेन्सीज आम 10 टॉप क्रिप्टो करेन्सीज नहीं पारा जहाँ आपणकर पोर्टफोलियोर अंश हो पाए सेगुड़ी है बिटकॉइन लिटे कॉइन इथेरियम कार्डानो सोनाला बिनानस कॉइन रिपल डोगे कॉइन ट्रॉट बिटकॉइन कैश एवं जी कैश क्रिप्टो करेन्सी संपर्कित खबर आज एति परवर्त अध्याय देखा क्रिप्टो संपर्कित आउ किसी गुरुत्वपूर्ण एवं अपडेट तथ्य से विदाय दिंतु नमस्कार।